लड़कियां हमेशा पैसे वालों से पटती हैं। ये सो कॉल्ड सच जाना माना और पहचाना हुआ है। वैसे ही जैसे लड़कियां बुरी ड्राइवर्स हैं या फिर लड़कियां बोलती बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि मैं, नहीं नहीं मैं बुरी ड्राइवर नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बातें, या यूं कह सकते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूं। लड़कियों के बारे में ये कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आप भरी भीड़ में कहेंगे तो कोई इसका विरोध नहीं करेगा, खुद लड़कियां भी नहीं करेंगी। पैसों का होना और लड़कियों का पटना, आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूं। तो मैं आपको बता दूं कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई थी, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी है और बहुत सारे लोगों ने इसको नहीं देखी है। इस सीरीज का नाम है टिंडर स्क्रिंडल। सबसे पहले इसकी कहानी सुन लेते हैं। डरने की बात नहीं है, मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं दे रही हूं, क्योंकि ये एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है। तो एक लड़का है जो लड़कियों को टिंडर पर मिलता है। टिंडर एक डेटिंग ऐप है और आप में से बहुत सारे लोग इसको यूज भी करते होंगे और कुछ लोग यूज करके छोड़ भी चुके होंगे। गुड लुकिंग, वेल मेंटेन, महंगे होटल और क्रूज और प्लेन के बिजनेस क्लास से तस्वीरें डालने वाला टिंडर के अलावा इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव है। उसे गूगल पर सर्च करें तो मालूम पड़ता है कि वो इजराइल के हीरा व्यापारी लेवाइव का बेटा है। साइमन लेवाइव नाम के इस लड़के से कौन इंप्रेस नहीं होगा। लड़कियां तो छोड़िए, कोई पुरुष भी ऐसे दोस्त के करीब होने से अच्छा महसूस करेगा। साइमन लड़कियों को बेहद नर्म और खुशनुमा एहसास से भर देता है। उन्हें फूल भेजता है, उनसे मोहब्बत भरी बातें करता है, उन्हें खूबसूरत बताता है, उनके सामने दिल की बातें कहने से हिचकिचाता नहीं है। जो वो उसे मिस करती है तो फ्लाइट लेकर उनसे मिलने चला आता है। कई महीने उनके साथ बिताने के बाद कहता है, मैं तुम्हारे साथ मूव इन करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ही अपना भविष्य देख रहा हूँ और तुम्हें ही अपने पत्नी और अपने बच्चों की माँ के तौर पर देखना चाहता हूँ। भाई लड़कियों को सब कुछ फूलों की बगिया या ये कहें सुंदर ना लगे, इसलिए कुछ और चीजें भी बताता है, जैसे मैं तलाकशुदा हूँ या फिर मेरे बिजनेस की वजह से मेरी जान हमेशा खतरे में रहती है, वगैरह 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 बहुत सारी बातें। लड़कियों को यकीन होता है कि अपने मुश्किल जीवन के चलते ये आदमी अमीर और हैंडसम होते हुए भी अभी तक सिंगल है। लड़कियां और पिघल जाती हैं। जाहिर है भाई, लड़कियां इस लड़के पर भरोसा करती हैं और अपनी पूरी कमाई भी उस लड़के पर इन्वेस्ट करने में सोचती नहीं है। खुद को पैसे वाला दिखाकर तमाम लड़कियों से पैसे ऐंठ लेने की कहानी है ये डॉक्यूमेंट्री। ये फ्रॉड कैसे पकड़ आता है और तमाम लड़कियों के साथ धोखा करने के बाद भी आज ये फ्री घूम रहा है, इसी की कहानी है टिंडर स्क्रिंडल। इस डॉक्यूमेंट्री में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो लड़की जब इस चीज की कहानी सुनाती है, वो बताती है कि किस तरीके से वो धीरे धीरे साइमन या सिनोम या शिमोन नाम के इस आदमी के प्रेम में फंसी, फिर किस तरह बर्बाद हुई। ऐसे ही एक लड़की जिसका नाम रेसिल है, वो बताती है कि जब पहली बार उसने अपनी कहानी दुनिया के सामने रखी तो उसे इतनी भद्दी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, वो बेहद डिस्टर्ब हो गई। सेलिल कहती है, मैं कमेंट्स पढ़ते हुए सोच रही थी कि इस पूरे प्रकरण में मैं तो पीड़िता हूँ, ये मुझे ही दोषी क्यों बता रहे हैं। सेलिल को मिलने वाले कमेंट्स कुछ ऐसे थे, गोल्ड डिगर यानी पैसे की भूखी थी ये लड़की। फिर लिखता है, केवल पैसा देखकर पटेगी तो यही होगा। एक शख्स लिखता है, कितनी बेवकूफ लड़की है, इसके साथ ठीक हुआ। क्या सच में लड़कियों को गोल्ड डिगर समझना सही है या गलत, आइए ये भी जान लेते हैं। कई लोगों को लगता है कि लड़कियां ही पैसे के पीछे भागती हैं, मगर ऐसा कहते हुए ये समाज की बनावट को भूल जाते हैं। आज भी ऐसा माना जाता है कि लड़की का भविष्य लड़के पर ही निर्भर है। लड़का कहाँ नौकरी करता है, लड़की उस हिसाब से अपनी नौकरी करती है, उस हिसाब से खुद को ढालती है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई पति अपना शहर छोड़कर दूसरी नौकरी खोजने को तैयार हो क्योंकि उसकी पत्नी की जॉब किसी और शहर में है? ऐसा होता भी होगा तो शायद बहुत रेयर, 10 में से कोई एक केस ऐसा होगा जहाँ पति अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर शिफ्ट हो जाए जहाँ उसकी पत्नी नौकरी करती हो। लड़की से उम्मीद की जाती है कि वो अपना पूरा जीवन पति के करियर के अराउंड प्लान करे। ऐसे में लड़की और उसके माता पिता के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लड़का स्टेबल हो। अगर लड़की खुद से कम कमाने वाले लड़के से शादी कर ले तो ये सबसे पहले लड़के और उसके परिवार वालों के ईगो को ही चुभता है। उस देश में जिसमें धड़ल्ले से दहेज लिया और दिया जाता है, कभी गिफ्ट तो कभी आशीर्वाद के नाम पर,
उसमें लड़कियों को गोल्ड डिगर बुलाए जाए तो थोड़ा सा अजीब, या ये कह सकते हैं थोड़ा सुन के हंसी आती है। लेकिन कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस तरह लड़कों में कमाऊ पार्टी को शादी के लिए खोजा जाता है, वैसे ही लड़कियों में गोरी और सुंदर लड़की को खोजना आम बात है। दबे रंग की लड़की, ज्यादा वजन वाली लड़की, ज्यादा लंबी या ज्यादा नाटी लड़की, या फिर करियर ओरिएंटेड या एम्बिशन वाली लड़की, सबके लिए मान लिया जाता है कि इसकी शादी में तो दिक्कत आएगी। लेकिन इसके लिए पुरुषों को भी ट्रोल नहीं करा जाता। कोई नहीं कहता कि कैसा मूर्ख लड़का है, देखो केवल लुक्स पर ही मर रहा है। इसे समाज में नॉर्मल मानते हैं, बल्कि लड़कियों को वजन घटवाकर लड़कों से पसंद आ जाने के लिए तैयार किया जाता है। ऑन द सीरियस नोट, मैं ये मानती हूँ कि प्यार सभी डिजर्व करते हैं। प्यार करने वाले इंसान होते हैं और उनकी चॉइस तमाम चीजों से गाइडेड होती है। कोई छोटे रिलेशनशिप की ओर भागता है, कोई स्टेबल। कई बार जब इमोशनल अंडरस्टैंडिंग के बाद भी आपकी रिलेशनशिप काम नहीं करती है तो हम लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। वो लड़की तो केवल पैसों के लिए रिश्ते में थी, या फिर वो लड़का तो केवल सेक्स के लिए रिश्ते में था। इस तरह के अजीब अजीब कमेंट्स आते हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि हम और आप कोई नहीं होते हैं किसी की रिलेशनशिप को जज करने वाले। आप इससे कितना सहमत हैं और कितना सहमत नहीं है, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। हालांकि डॉक्यूमेंट्री पे वापस आते हैं, डॉक्यूमेंट्री में जिस तरह सेलिल को लोगों ने गोल्ड डिगर पुकारा, उसको मालूम पड़ता है कि उसका बॉयफ्रेंड एक फ्रॉड। तब तक उस पर 9 अलग अलग बैंकों का लोन चढ़ चुका था। वो लोन वो आज तक चुका रही है। तो आप इस डॉक्यूमेंट्री को देखिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और साथ साथ ये भी बताइए, क्या सच में लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं, और क्या सच में लड़कियां जो हैं वो पैसों वालों से पटती हैं या नहीं। ऐसे ही और तमाम वीडियोस के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए सनराइज न्यूज। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।